उसको रूल ऑफ ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ा पता नहीं कैसे कट गया था, ठीक है। चलिए अगला है कॉमर्स मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ओरिजिन का सर्टिफिकेट देती है कि कोई सामान कहाँ पे जो है उद्भव हुआ है, ठीक है। तो कौन इशू करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द कॉमर्स मिनिस्ट्री। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी है ताकि अगर किसी को कोई डिस्प्यूटेड है तो उसे वहाँ पर अपील कर सकता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद और कुछ कुछ ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। नाफ्टा है, साफ्टा है। नाफ्टा मतलब नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कौन कौन देश हैं? तीन देश हैं, कनाडा, US और मैक्सिको, ठीक है। उसके बाद ट्रंप ने बोला कि नाफ्टा जो है अमेरिका को हित में नहीं है, ठीक है। उसने अलग से एग्रीमेंट बनाया जिसका नाम दे दिया USA मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। अलग अलग देश के साथ अलग अलग एग्रीमेंट बना दिया। फिर साफ्टा क्या है? साउथ अफ्रीका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद AfCFTA अफ्रीकन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें 54 देश के आसपास हैं। बस थोड़ा थोड़ा भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ और भी रिलेटेड है। प्रोटेक्शनिज्म मतलब संरक्षणवाद या ट्रेड वार। क्या होता है दोस्तों प्रोटेक्शनिज्म? मतलब क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश से बचने के लिए, किस सेंस में? आर्थिक रूप से बचने के लिए जब टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा देता है, या फिर कोई देश अपने इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है और दूसरे देश से आने वाले सामान पे खूब सारा टैक्स लगा देता है और प्रमोट नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों संरक्षणवाद, ठीक है ना। इतना इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद रखना है। प्रोटेक्शनिज्म मतलब टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर का प्रयोग करके अपने लोकल इंडस्ट्री को बचाना ही, फॉरेन कंपटीशन से बचाना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रोटेक्शनिज्म। समझ में आया? बस आपको इतना याद रखना है डेफिनेशन, और कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, ये काम का नहीं। उसके बाद अगला देखो दोस्तों, तो इंडिया भी करता है भाई, लोकल तो लोकल के लिए वोकल है ना, सब देश करते हैं। उसके बाद USA का अपना एक 301 स्पेशल रिपोर्ट, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये जो देश है ना, 301 रिपोर्ट अमेरिका हमेशा निकालता है कि जो भी देश IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है उसके लिए लिस्ट निकालता है कौन कौन सा नहीं है। तो ये पूरे लिस्ट को, पूरे देश को तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक को बोलता है मोस्ट डेंजरस, फिर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और तीसरा वॉच लिस्ट, ठीक है। और इसी फिर इसको अलग अलग कैटेगरी में देशों को डाल देता है अमेरिका, फिर उसके अनुसार वो WTO में जाके कंप्लेन करता है। तो इंडिया, रसिया और चाइना को उसने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है, इसमें रखा है, ठीक है। बोलता है कि इंडिया के लोग जो है हैक वैक करते हैं, मूवी पायरेटेड मूवी बना देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, काम का चीज़ नहीं, बस ठीक है। उसके बाद USA का ही एक चीज़ है GPS, GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसका मतलब ये है कि USA ने एक लिस्ट बनाया है, ठीक है। अगर उस लिस्ट में किसी विकसित विकासशील देश का नाम है तो जो भी सामान, मान ली USA ने एक लिस्ट बनाया है, ठीक है, उसका नाम है GSP लिस्ट। इसमें मान लो इंडिया का नाम है, ठीक है, तो इंडिया से जो भी सामान USA आएगा दोस्तों, एक्सपोर्ट होगा, उस पर अमेरिका जीरो या बहुत कम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगा, कुछ सामान पे, सब पे नहीं, कुछ सामान पे, ठीक है। तो ट्रंप ने ये बोला कि देखो भैया, अब ये जो लिस्ट होता है ना दोस्तों, वो नाम होता है उसमें डेवलपिंग देश का। तो ट्रंप ने बोला कि यार इंडिया डेवलपिंग थोड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी इतना ग्रोथ कर रहा है, ऐसे है वैसे है, तो उसको जो है हटा दिया, इंडिया को जो है GSP से हटा दिया। बोला कि इंडिया जो है अब डेवलपिंग है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, खाली इतने याद रख लो GSP किसका है? अमेरिका का है, डेवलपिंग देशों का नाम होता है, टैरिफ वेरिफ उस पर अमेरिका कम लगता है, इंडिया इसका भी जो है मेंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ब्रेग्जिट, तो ब्रेग्जिट आपका मेंस का चीज़ है, आपका काम का नहीं है दोस्त, ये आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी, ये न्यूज में था, क्या था ये? उस समय न्यूज में रहा होगा दोस्तों, अभी थोड़ी ना है, इसको आप छोड़ सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर था यूरोपियन यूनियन है, देखिएगा। फिर है BTIA, ये भी उस समय न्यूज में था, ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो उस समय जो न्यूज में था, थोड़ा अभी न्यूज में है क्या? नहीं है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कुछ SAARC के बारे में, अभी BIMSTEC के बारे में, ठीक है। अदर नोटेबल ग्रुपिंग एंड रिलेटेड टू इकोनॉमी, तो
तो सार का फुल फॉर्म याद कर लो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, स्काई बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसके नाम में ही जो सार क्या है साउथ एशिया का, तो साउथ एशिया में कौन कौन देश आते हैं, आठ आते हैं जो भी अगल बगल हैं भारत का पड़ोसी राज्य, तो इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव एंड श्रीलंका। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में 1985 में बना था सार्क। भी मस्टेक 1997 बना था, हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश। इसमें सात देश हैं, याद कैसे रखोगे, बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड और ई सी से नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल भूटान बाद में जुड़ा है, ठीक है। हर अभी तक समिट होता है हर चार साल में, ठीक है, इसका ऐसा बोला जाता है कि हमेशा नहीं हुआ है, ठीक है। 2016 में समिट हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद 2018 में समिट हुआ था काठमांडू नेपाल में, ठीक है, बस। उसके बाद साउथ एशिया यूनिवर्सिटी बना है कहाँ पे, दिल्ली में बना है, ठीक है। चलिए फिर G-SAT-19, आपको पता है इंडिया ने सेटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था साउथ एशिया कम्युनिकेशन सेटेलाइट G-SAT-19, सार्क देशों के लिए था, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, उसका ये सब काम का नहीं। फिर ये क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक रिलेटेड ग्रुपिंग्स एक्सेप्ट UN और ये सब नहीं काम का है दोस्तों, नहीं पूछेगा कभी फालतू, ठीक है। मेकोंग गंगा कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है, मेकोंग एक नदी है दोस्तों, ठीक है, जो आपका एशियान देशों में बहती है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। और गंगा आपको पता है इंडिया में बहती है, तो इंडिया और पांच जो एशियान देश हैं उसके ये ग्रुपिंग है, ठीक है। मेकोंग रिवर स्टार्ट होती है चाइना से, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया से जाते हुए साउथ चाइना सी में गिरती है। मैप में इसको लोकेट कर लीजिएगा, मेकोंग रिवर, ठीक है। उसके बाद एशियान और एशियो का ग्रुपिंग है, बीच में डिफरेंस है, एशियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियो मतलब संघाई कॉपरेशन। इस 1969 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन में, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया, और एशियो बना था दोस्तों 2001 में, हेडक्वार्टर है बीजिंग एंड चाइना, ठीक है। एशियो के अंदर में कुछ संस्था है, कुछ एक स्ट्रक्चर है, नाम है रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, टेररिज्म से डील करने के लिए। और एशियो का तो हेडक्वार्टर बीजिंग में है, लेकिन रेट्स का जो हेडक्वार्टर है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। एशियो के मेंबर कौन कौन है कि मैं याद किया हूँ, के के सी पुतिर, ठीक है। तो के मतलब कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान एंड रसिया, ईरान बोल रहा हूँ, इंडिया एंड रसिया। तो कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया एंड रसिया, ठीक है। तो याद रखिएगा ताजिकिस्तान मेंबर है, टी फॉर ताजिकिस्तान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान नहीं, ठीक है। तो छह फाउंडिंग मेंबर था, बाद में आपका पाकिस्तान और इंडिया जुड़ा, ठीक है। इसमें टोटल 10 मेंबर है, बता दिया था, एशियान का BPL, TV, मिमिक्स, ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया एंड सिंगापुर, ठीक है। तो 2025 में जो है 2018 में 25वां एनिवर्सरी हुआ एशिया इंडिया का, ठीक है ना। उसके बाद ये सब आपका काम का नहीं है दोस्तों, ठीक है। 2022 में मीटिंग हुआ कंबोडिया में, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एशियो में इंडिया एडमिट हुआ था, इंडिया कब बना था एशियो का मेंबर, 2017 में बना था, जब अस्ताना कजाकिस्तान में मेंबर हुआ था, मीटिंग हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये सब नहीं है, ये सब आपका नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। 20 वाला नहीं है, ये सब नहीं है, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान के लिए ग्रुपिंग है 6+2+1 ग्रुप फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि 6+2+1 ग्रुप किसके लिए है, तो किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए। कौन कौन मेंबर है, 6 नेबरिंग देश हैं, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा USA, रसिया और एक खुद अफगानिस्तान, इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद ओशियन वाला ग्रुपिंग, जैसे इंडियन ओशियन के अगल बगल वाला है जो, या प्रशांत महासागर के बगल वाला, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जो इंडियन ओशियन के अगल बगल देश हैं, तो टोटल 22 देश इसके जो है मेंबर हैं, ठीक है ना। हेडक्वार्टर याद रख लीजिएगा मॉरिशस। उसी तरह एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC, इसके 21 देश मेंबर है, चाइना, USA भी मेंबर है, इंडिया मेंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इंडिया पैसिफिक ओशियन के इर्द गिर्द नहीं है, तो इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ है, सिंगापुर, बस इतना ही याद करिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।
याद रख लीजिएगा, पुत्र जया विजन 2040 किस चीज़ से रिलेटेड है तो पूछ सकता है, अपेक्स से रिलेटेड है। पुत्र जया विजन 2040 दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते मच्छर भी काटता है, पसीना भी गिरता है, मज़ा आता है इसे पढ़ने में, है ना। चलिए ब्रिक्स के बारे में है, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है इसके बारे में बता दिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था 2014 में, है ना, तो उसके बाद 2018 में सबमिट हुआ था। ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये सब काम का नहीं, याद रखिएगा। 2021 में 13वां सबमिट हुआ था इंडिया में, ये काम का है और ये सब नहीं। याद कैसे करिएगा, देखिए जो मीटिंग होता है ना दोस्तों वो अल्फ़ाबेटिकली होता है, तो ब्राज़ील में होगा, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो देखिए इंडिया में मीटिंग हुआ ना, इंडिया में होगा 2021 में, तो देखिए 22 मीटिंग इंडिया आई के बाद क्या ऐसी, तो उसके बाद सी में मीटिंग हुआ चाइना में, ठीक है। उसके बाद ओपेक देश, ओपेक देश के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ऑस्ट्रिया, वियना, इसके बारे में डिटेल में बताया हूँ पहले लेक्चर में। OECD के बारे में क्या है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि इसमें डेवलप्ड देश ही इसके मेंबर है, तो इंडिया इज नॉट ए मेंबर, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है, तो BEPS के लिए फेमस है, मैंने आपको बताया था जब हम लोग करप्शन जब हम लोग वो कर रहे थे काला धन के बारे में, है ना, ब्लैक मनी के बारे में, तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में इसमें बताया था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस एंड फ्रांस, इंडिया इज नॉट ए मेंबर। नेम, नेम के बारे में बहुत ओल्ड टॉपिक है, पूछेगा भी नहीं अब, ठीक है ना। तो ठीक है, नेहरू के पांच देश के नेता इसको किए थे, यूगोस्लाविया के, इजिप्ट के, इंडिया के, घाना के और इंडोनेशिया के, ठीक है, तो याद रखिएगा। और भी देश इसके मेंबर हैं, एशिया, अफ्रीका, ये सबसे भी। अभी 2023 में इसका मीटिंग होगा, ठीक है ना। ये चीज़ इसका थीम था, पूछेगा कि यूनाइटेड अगेंस्ट COVID-19 किस चीज़ से रिलेटेड है, नैम से है कि अपेक से है किससे है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड अगेंस्ट COVID-19 किससे रिलेटेड है, नैम्स, ठीक है। 2+2 मीटिंग इंडिया, और आपको पता है कि इंडिया और अमेरिका का भी होता है, इंडिया रसिया का भी होता है, तो ये सब उतना नहीं है। जय ट्राइलेटरल, जय माने जापान, अमेरिका एंड इंडिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वाड, क्वाड को कौन नहीं जानता है, चार देश इसके मेंबर है, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। आकुस, आकुस से UPSC भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US इसके मेंबर है, ठीक है। फ्रांस इसका मेंबर नहीं है, ठीक। पेरिस क्लब, पेरिस क्लब क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप है, मतलब ऑफिशियल नहीं, इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, जो एक जो उधार वाला देश है उसको मदद करता है। इसके सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है। G20 का मीटिंग आपको पता है दोस्तों कहाँ हुआ, अभी हाल फिलहाल में G20 का मीटिंग इंडिया में हुआ है, है ना, और कहाँ कहाँ हो रहा है, इंडिया में, ठीक है। तो अलग अलग इंडिया में अलग अलग स्थान पे हो रहे हैं। G20 में टोटल 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन एक, टोटल कितना हो गया 20, तो 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, याद रखिएगा, टोटल 20 देश नहीं है, 19 देश हैं, ठीक है। तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क लाया गया है G20 देश के द्वारा और पेरिस क्लब के द्वारा, पेरिस क्लब हमने देखा, इन दोनों मिल के ले आए हैं ये। तो G20 का समिट हुआ इंडिया में, वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था, ठीक है। ये महाउपनिषद से लिया गया, ये इम्पोर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम किससे लिया गया है, महाउपनिषद से, ठीक है। और सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बोला ब्रिक्स समिट 2020 विल बी होस्टेड बाय, 2020 में पूछा है, तो 21 में कहाँ हुआ है दोस्तों, इंडिया में, उसके पहले क्या था, रसिया, है ना, तो देख लीजिए 2020 में कहाँ हुआ, रसिया में, एक पहले हुआ है कि नहीं, 21 वाला अगर आपको पता है तो आई के पहले 20 हुआ होगा, तो और क्या है, रसिया, रसिया हो गया। इन विच ग्रुप ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20 के बाकी कौन कौन से देश मेंबर है, तो G20 में कौन है दोस्तों, तो बड़े बड़े देश इसके मेंबर हैं, है ना, तो वियतनाम बड़ा है क्या, नहीं। उसका सिंगापुर बड़ा है क्या, नहीं। मलेशिया बड़ा है क्या, बताओ, मलेशिया बड़ा है नहीं। न्यूजीलैंड है, नहीं, छोटा सा है। तो इसके कौन कौन से मेंबर है दोस्तों, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ठीक है। अब G20 कॉमन फ्रेमवर्क किसका है, अभी हमने देखा पेरिस क्लब और G20 का, एकदम सही। इट इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेट, सही बात है, यहीं बोला है ना, जो गरीब देश हैं जो लोन अपना नहीं चुका पा रहे उनके लिए है, ठीक है, ठीक है, लोन रिपेमेंट में मदद करता है इनकम कंट्री को, ठीक है। आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 और 2। अगला देखो, ये काम का नहीं, अच्छा ये G7 और G10, तो G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7, G8 था पहले, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया निकल गया, तो क्या बन गया,
जी सेवन, ठीक है। तो देखिए, तो रसिया ऐड किया गया था तो G8 बना था, लेकिन रसिया जब क्रीमिया को हथिया लिया तो G7 बन गया, ठीक है। तो अमेरिका ट्रंप बोल रहा है कि इंडिया को G7 में जो है शामिल करना चाहिए, है ना। तो उससे वो ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बस बड़े बड़े जो डेवलप्ड देश हैं इसके मेंबर हैं। 2021 में समिट हुआ था UK में, बस आपको इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। और जो 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स का बात बोल रहे हैं कि पूरे विश्व में कम से कम 15% वैश्विक जो मिनिमम टैक्स होना चाहिए, न्यूनतम टैक्स, वो इसी से रिलेटेड है, किससे, G7 से। और समिट जो 2022 में होगा जर्मनी में होगा, ठीक है। D10 के बारे में क्या है दोस्तों, तो D10 5G क्लब बनाया, कौन बनाया, UK ने। तो D10 क्या है, क्लब ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टनर्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है, तो G7 देश तो हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया भी है। तो D10 में याद रखिएगा, इंडिया भी इसका मेंबर है, डेमोक्रेटिक चीज़ से डील करता है, ठीक है। UK इसको बनाया है। तो 5G टेक्नोलॉजी जो है उसका सप्लाई चेन को बढ़िया करना है, और चाइना पे जो हम लोग डिपेंडेंट है उसको कम करना है, ठीक है। फिर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इससे मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन भी करवाया था। तो इसमें इसको अमेरिका के द्वारा ये समर्थित संस्था है, ताकि चाइना पे हम लोग डिपेंडेंट को कम करें। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्वीडन, UK, यूरोपियन यूनियन। कोबाल्ट, निकल, लिथियम चीज़ जो ज़रूरत होता है, क्रिटिकल मेटल मिनरल्स, उस चीज़ को सप्लाई कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो उससे संबंधित है, ठीक है। आपको पता है कि रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं दोस्तों, जो बहुत रेयर होता है, जो मतलब रेयर मतलब ऐसा नहीं कि पृथ्वी में नहीं मिलता है, मिलता है लेकिन आपको एक जगह नहीं मिलेगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसलिए इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो सब वो सब सभी देश जो है रेयर अर्थ मेटल के लिए डिपेंडेंट किस पे है दोस्तों, चाइना पे। इंडिया को अभी इसका जो है मेंबर जो है नहीं बनाया गया है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो MSP किसके द्वारा है, किसके द्वारा है, अमेरिका के द्वारा, ठीक है। पर्पस क्या था, ठीक है, कि चाइना पे डिपेंडेंट कम करना मिनरल्स के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, रेयर अर्थ मिनरल के लिए। उसी तरह मिडिल ईस्ट का कुछ ग्रुप है, GCC एंड OIC। GCC मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका हेड क्वार्टर 1981 में बना था दोस्तों, हेड क्वार्टर रियाडा सऊदी अरेबिया में। 6 देश इसके सदस्य हैं, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, UAE। याद रखिए ईरान इसका मेंबर नहीं है, ईरान इज नॉट ए मेंबर। वैसे भी देखिए सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों में सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिया सुन्नी विवाद होता है, तो दोनों एक देश के सदस्य नहीं हो सकते हैं, है ना। पाकिस्तान ही नहीं मेंबर है, पाकिस्तान बेवकूफ़ों को कैल रखता है मेंबर, ठीक है। OIC का मेंबर हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जेद्दा में, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। 50 देश इसके मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हालांकि इंडिया में सबसे ज़्यादा विश्व में शायद मुस्लिम के नंबर पर दूसरा या पहला या दूसरे स्थान पर है, लेकिन फिर भी इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। अब्राहम एकॉर्ड आपको पता है, UAE, बहरीन और इसराइल के बीच में एक समझौता है, ताकि जो भी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया था जब इसराइल ने फिलिस्तीन को मतलब वो किया था, डिस्प्यूट हुआ था, तो दोनों सब अरब देश और फिलिस्तीन के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे UAE, बहरीन, इसराइल में संबंध को स्थापित करने के लिए अब्राहम एकॉर्ड जो है शामिल किया गया है ना। अब्राहम कौन था दोस्तों, अब्राहम एक बोला जाता है पैगम्बर थे, जिसको ज्यूस भी मानते हैं और यहूदी भी मानते हैं और इस्लाम भी मानते हैं। I2U2 क्या है, इंडिया, आई फॉर इंडिया, फिर दूसरे आई फॉर इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड, एक मिनट रुकिए, तो इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग वेस्ट एशिया का क्वाड है। क्वाड में कौन से मेंबर बताइए, तो इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड जो है वो ईस्ट एशिया की तरफ है, तो वेस्ट एशिया में कौन कौन देश हैं दोस्तों, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। ये दोनों जो चारों देश हैं वो वेस्ट बनाए हैं क्या, I2U2, इसको अलग नाम से जाना जाता है, वेस्ट एशिया क्वाड, ठीक है। तो 6 एरिया में कॉपरेट करेंगे, जहाँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, OBOR, उसको ये लोग अपोज करते हैं, ठीक है। तो वही सब है, इस बाकी उतना काम बची जो है नहीं है, ठीक है। उसके बाद और भी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये आपको पता है एक तरह का NGO टाइप का है, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है, इसका दावोस में जो स्विट्जरलैंड में दोस्तों मीटिंग होता है ना हर साल, एनुअल, ठीक है। ठीक, अलग अलग रिपोर्ट जारी करता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, फिनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट,
तो ये इंपॉर्टेंट है आपका ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट पूछा है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसके बाद और भी कुछ ग्रुपिंग है जैसे यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी कौन है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, तो याद रखिए अंकटाड, ठीक है। उसके बाद यूएनडीपी, ठीक है, यूनिडो, वीपो, ये सब उसका है, आईएलओ, ये सब है, ठीक है। उसके बाद इंडियन कम्युनिटी किसको बोलते हैं दोस्तों? तो साउथ अफ्रीका जो में जो फ्री ट्रेड एरिया होता है जिसमें बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू आते हैं, तो इंडियन कम्युनिटी बोलते हैं। एंडीज है ना, एंडीज साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में, तो उसी से नाम पड़ा इंडियन, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। मरकसर ये भी साउथ अमेरिका में कॉमन मार्केट है, ठीक है। वेसीग्राड नाम से ही पता चलता है यार, ये होगा आपका रसिया वसिया के आसपास का एरिया। तो चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड एंड स्लोवाकिया इसके मेंबर है। इसको भी फोर यूरोपियन क्वार्टेट बोलते हैं, क्वार्टेट मतलब चार। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट, ठीक है, इसमें जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, अजरबैजान, मध्य एशिया के देश जो हैं अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की एंड उज्बेकिस्तान, ये इसके मेंबर है। अब पूछा है प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन पूछा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन है, क्रोएशिया तो नहीं होगा है ना, रोमानिया भी नहीं होगा, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है एंड आर्मेनिया है। तो 1, 2, 5 है ना, कहाँ है आंसर, एक मिनट रुकिए, आर्मेनिया है, आर्मेनिया भी नहीं है ना, अजरबैजान है और उज्बेकिस्तान। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आप अटैम्प्ट करो, नहीं आता है छोड़ दो, ठीक है। आपको 100 में से 100 क्वेश्चन थोड़ी ना अटैम्प्ट करना है, नहीं आ रहा है छोड़िए, आगे बढ़िए, जो सिंपल है वो बनाइए, है ना, सब क्वेश्चन थोड़ी बनाना है, मुझे तो पढ़ाना है तो कुछ मुझे सब बताना पड़ रहा है ना। लेकिन जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है अच्छे से, और इतना पढ़ने के बाद आपका आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल और नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम, एनएसजी के बारे में। एनएसजी में का जो है इंडिया मेंबर नहीं है दोस्तों, चाइना इसका मेंबर है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, तो जो भी न्यूक मटेरियल होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर मटेरियल, उसको ये उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ध्यान में रखता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है, चाइना मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, पर इतना एक कीवर्ड याद रखना है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। तो ऐसा हथियार जो केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल मतलब कोई वायरस हो, कोई जीवाणु हो, कोई बैक्टीरिया हो, है ना, तो उसको डील करता है। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, इंडिया भी इसका मेंबर है, चाइना मेंबर नहीं है। वासेनार एग्रीमेंट, ठीक है, 1996, चाइना मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर है। तो वासेनार कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड में। और MTCR मिसाइल से डील करता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, एनएसजी आपका न्यूक्लियर मटेरियल, और वासेनार आपका कॉमर्स जो ये होता है ना, कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज, जैसे इसमें समझ लो आप नाइट विजन, गूगल बोल रहा हूँ, गूगल्स, है ना, तो ये सारे चीज़ सुन आ रहे हैं। तो याद रखिएगा एनएसजी को छोड़ के तीनों ग्रुप का इंडिया मेंबर है। अगर क्रोनोलॉजी भी पूछ ले तो सबसे पुराना आपका एनएसजी, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका MTCR और फिर आपका वासेनर, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो नाम, NAMW सबसे पुराना ये, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर MTCR और फिर W में क्या, वासेनार, ठीक है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ, इंडिया किसका मेंबर है? MTCR का मेंबर है, डेफिनेटली यस, SCO का है, बन गया था। ऑस्ट्रेलिया इंफ्रास्ट्रक्चर AIIB तीनों का है, 1, 2, 3, ठीक है। USA एग्जिट किया आर्म्स ट्रीटी, USA ने किस किस ट्रीटी से निकल गया? तो पहला देख लीजिए, सिंपल सा चीज़ आपको जाना नहीं है, बस आप याद रख लो, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जो अमेरिका और USA के बीच में साइन हुआ था, ठीक है, 1987, उससे अमेरिका बाहर निकल गया। तो पूछे कि INF ट्रीटी किस चीज़ से है? तो इंडिया बोल रहा हूँ, रसिया और USA। उसी तरह न्यू स्टार्ट ट्रीटी किसके बीच में था? USA और रसिया, इससे भी वो निकल गया। ओपन स्काई ट्रीटी नाटो और वारसाव पैक्ट के बीच में कंट्री में हुआ था, ठीक है, ताकि एक देश के दूसरे देश में जो हम लोग स्पाई करते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो USA भी इससे निकलना चाहता है, ठीक। उसके बाद और कुछ काम का नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से जो हमारा पिलर था 3, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारा ख़त्म हो गया है ना। लेक्चर कंप्लीट करने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन जो मोटा मोटी पोर्शन था जिससे क्वेश्चन दोस्तों 70% क्वेश्चन इकोनॉमी में यही 3 पिलर्स आते हैं, 1, 2, 3, बाकी जो पिलर्स हैं एग्रीकल्चर ये सबसे, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, और ये सब बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको समझाने का उतना नहीं है, इसमें मैक्सिमम आपको रटना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, बाकी जो है मेंस का पॉइंट है, ठीक है, समझ में आया।
तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। मैंने आपको बोला था 31 मार्च तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इकोनॉमिक्स, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस आप चैनल को देखते रहें, आपका पूरा EPFO का भी सिलेबस और UPSC का भी सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस भी आपको करवा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये देख रहे थे आप दोस्तों पार्ट सी, ठीक है, 20 लेक्चर नंबर 20 पार्ट सी देख रहे थे, ठीक है, पार्ट 20 सी देख रहे थे, ठीक है। ज़्यादा मतलब जॉब भी किया हूँ, थोड़ा पढ़ाना भी वो पढ़ा भी रहा हूँ, तो उतना जो है मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, वो पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा दूँगा, टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका पढ़ाई किसी भी तरह से बाधा ना हो, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन 100% होगा। बस अपने पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और मेरे पर विश्वास कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।